तो अब कोई मसाला नहीं डलेगा, जो सारे मसाले डल चुके हैं। अब इसको पकाना है कम से कम 10 मिनट अच्छे से मीडियम आंच पे। तो लो भाई आपकी चिकन करी बनके रेडी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, भैया ने एक बूंद पानी यूज़ नहीं करा इसमें, ये बिना पानी के बनाया। अगर आप इसलिए ऐसे डाल के इसे छोड़ देना, ऊपर से थोड़ा सा धनिया मारना, आपका चिकन करी बनके रेडी है। बिना पानी के ये बनाया है, ये धनिया भैया ने मारा तो ये बनके रेडी। तो भाई चिकन करी बनना शुरू हो रहा है। यहाँ पे भैया ने लिया है सरसों का तेल, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बट सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा बनता है। कितने लीटर लेना है भैया? 3 लीटर। 3 लीटर। और कितने किलो चिकन का बना रहे भैया हम? 15 किलो। 15 किलो चिकन का बन रहा है 100 लोगों के हिसाब से। तो 3 लीटर आपने सरसों का तेल लेना है। फिर आगे देखते हैं कौन कौन से इसमें मसाले और क्या क्या जाने वाला है। तो भैया इसमें अब खड़े मसाले डाल रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले डाला तेज पत्ता, थोड़ा सा ये है आपकी मोटी इलायची, हरी इलायची, और ये क्या डाला भी आपने? जीरा। ये आपका एक बड़ी मुट्ठी। तो चिकन करी आप देख लो हलवाई स्टाइल कैसे बन रही है। आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि कुछ नॉनवेज लेकर आओ, चिकन करी लेकर आओ, तो आज भैया के हाथों से आपको सिखाएंगे कैसे बनता है चिकन करी। तो आपकी डिमांड पे आज लेकर आए फिर से राम कुमार आगरा वाले भैया। भैया आए तो करते एक बार सबको, ये आप सबके फेवरेट। तो इसमें खड़े मसाले डाल दिए हैं थोड़े से, और थोड़ा सा भुनना है 1-2 मिनट भैया, 1-2 मिनट के लिए इसे भुनना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आइटम इसमें क्या डालने वाला है। प्याज। तो इसके बाद डालेंगे इसमें प्याज, जो आपको मैंने शुरू में दिखाए थे, इस कटिंग में आपको रखना है। और 10 किलो प्याज थे ना भैया? 10 किलो ये प्याज थे। अब इसका भुनना है ब्राउन होने तक। भैया इसके बीच में कुछ पड़ेगा? बस ब्राउन करेंगे प्याज का, फिर भी बाई चांस कुछ डलता है तो मैं आपको बता दूंगा। और कंटिन्यू से चलाते रहना ताकि नीचे ना लगे। यहाँ पे देखो भाई हमारे प्याज हो चुके हैं ब्राउन। अब भैया डाल रहे हैं इसमें क्या भैया? ये लहसुन का पेस्ट है, डालिए। योगा कम से कम 200 ग्राम, तो 200 ग्राम आपने लहसुन का पेस्ट डालना है। और ये भैया डाल रहे हैं इसमें अदरक का पेस्ट, ये भी उतना ही होगा 200 ग्राम। तो 200 ग्राम लहसुन का पेस्ट, 200 ग्राम अदरक का पेस्ट, और ये आपका 250 ग्राम मिर्च का पेस्ट। तो इन तीनों को मिला के आपने अच्छे से पकाना है। कितनी देर और पकाना भैया? 5 मिनट तक इन सबको अच्छे से पकाना है। उसके बाद क्या डालेगा भैया? ग्रेवी। अच्छा, उसके बाद मसाले डालेंगे। 5 मिनट इसका पकाना है, उसके बाद थोड़े से मसाले डालेंगे, वो आगे आपको बता दो क्या क्या डालने वाला है। तो 5 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे भैया डाल रहे हैं हल्दी, ये होगा आपका 2 बड़े चम्मच। यह है आपका कश्मीरी लाल मिर्च, 3 बड़े चम्मच। और मैं आपको पहले बता दूँ, ये 15 किलो चिकन के हिसाब से बन रहा है, 20 किलो है। तो सॉरी 20 किलो चिकन के हिसाब से बन रहा है। तो ये आपका 20 किलो चिकन है 100 लोगों के हिसाब से। तो अब इसको भुनना है। कितनी देर तक भुनेंगे भैया? 10 मिनट तक इसको अच्छे से भुनना है। और आज बता दो भैया, आज तेज रखनी है मीडियम? मीडियम। अगर घर में बना रहे हैं तो मीडियम ही रखनी है आपको, चाहे घर में बनाओ चाहे पार्टी के लिए बनाओ, मीडियम आपने रखनी है। इसको 10 मिनट तक भूनना है। पर अब भैया इसमें डाल रहे हैं दही। डालेंगे भैया? कितने अभी डालेंगे? 10 मिनट बाद अभी डालेंगे। 2-3 मिनट पकाने के बाद इसमें भैया डालेंगे दही, फिर टोटल 7 मिनट और पकाना है, यानी कि टोटल 10 मिनट। तो अब भैया इसमें डाल रहे हैं दही, ये कितना होगा भैया? 4 किलो। 4 किलो इसमें भैया ने डाली है दही। और अब इसे भुनना है 7-8 मिनट और। अभी दही तो वैसे पानी छोड़ गया है, पानी डालो जरूरत नहीं पड़ने का। तो इसको अभी पकने देते हैं अच्छे से, 7-8 मिनट अच्छे से भुनना है आपको इसको। उसके बाद इसमें क्या डालेगा देखते हैं आगे। और कड़छी को थोड़ा प्यार से हिलाना, ज़्यादा जोर जोर की मत हिलाना वरना आपके पीसेस टूट जाएंगे। तो अब इसे पकने देते हैं 7-8 मिनट और, उसके बाद इसकी शक्ल देखते हैं या फिर अगला देखेंगे इसमें क्या डालने वाला। तो भाई 10 मिनट के बाद भैया इसमें डाल रहे हैं टमाटर की ग्रेवी। टमाटर कितना किलो होगा भैया? 2 किलो। 2-2.5 किलो इसमें भैया टमाटर की ग्रेवी डाल रहे हैं। और ये टमाटर को आपने बॉईल करना है नमक और मिर्च डाल के। ये हमारी काफ़ी ज़्यादा रेसिपी में आप देख चुके होंगे, सीख चुके होंगे। अगर आपको फिर भी इसकी रेसिपी चाहिए कैसे ये बनता है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस रेसिपी को सीखो, उसमें सारा बता रखा है टमाटर प्याज की ग्रेवी कैसे बनती है। वो इसमें डालना है 2.5 किलो। और भैया आप कितनी देर तक पकाएंगे भैया? 10 मिनट। भैया बहुत कुछ सोच रहे भैया सोचने लग गए कुछ। 10 मिनट पकाना है? तो इसको 10 मिनट अब और पकाना है, ठीक है। पहले आपने चिकन डाला था, 2-3 मिनट इसे भुना था, फिर इसमें दही डाली थी, फिर 7-8 मिनट इसे पकाया था, फिर इसमें टमाटर की ग्रेवी डाली थी, फिर 10 मिनट इसे और पकाना है।
अब देखेंगे इसके बाद मसाले क्या डलेगा वो मैं आगे आपको बताता हूँ। नमक डल रहा है भैया? अच्छा, अभी इसमें नमक डल रहा है, अभी ये 10 मिनट हुआ नहीं, मतलब जैसी ग्रेवी डाली है टमाटर की इसमें नमक डाल रहे हैं, ये भैया ने डाले हैं 2 मुट्ठी। अब पकाना भैया 10 मिनट ही आपको डलेगा, अभी डलेगा डलेगा, अभी और भी कुछ डलेगा भैया, मसाले अभी डल रहे हैं ठीक है। तो टमाटर डालने के बाद ही ये सारे मसाले डल रहे हैं। ये है आपका मोटी वाली कुटी हुई लाल मिर्च है, ये कम से कम होगी 100 ग्राम होगी ना भैया, 100 ग्राम के अराउंड ये लाल मिर्च होगी। अब इसमें अभी और भी मसाले डल रहे हैं, तो ये टमाटर की ग्रेवी के बाद ही ये सारे मसाले पड़ेंगे। इसमें डाल रहे हैं भैया किचन किंग मसाला, ये किचन किंग मसाला डाला भैया ने, ये है 100 ग्राम, 100 ग्राम का पैकेट आता है, पूरा का पूरा डाल दिया। और ये इसमें डाल रहे हैं भैया मीट मसाला कि चिकन मसाला, चिकन मसाला, तो चिकन मसाला इसमें डाल रहे हैं, ये भी पूरा पैकेट 100 का 100 ग्राम पूरा पैकेट इसमें डालना है। और कुछ डलेगा भैया? अभी डलेगा, तो सारे मसाले अभी डलेंगे। ये है कसूरी मेथी, नहीं सॉरी सॉरी कसूरी मेथी नहीं, इसका पैकेट मुझे लगा कसूरी मेथी है। यह है बुरादा कोकोनट, ड्राई कोकोनट पाउडर है ये, कितना होगा भैया ये? 400 ग्राम। ये 400 ग्राम इसमें डाला है बुरादा कोकोनट पाउडर, ड्राई कोकोनट होता है उसका पाउडर है ये। अब और कुछ? अभी डलेगा बताते हैं आपको। तो अब कोई मसाले नहीं डलेगा, जो सारे मसाले अब डल चुके हैं, अब इसको पकाना है कम से कम 10 मिनट अच्छे से मीडियम आँच पे। फिर भी बीच में कुछ डलेगा मैं आपको बता दूंगा, बट लेकिन अब भैया मना कर रहे हैं, अब सीधा 10 मिनट के बाद जो डलेगा मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये भैया ने कर दिया है ढक्कन बंद, अभी से 10 मिनट तक पकने देते हैं। और 10 मिनट के बीच में से यार बीच बीच में हिलाते भी रहना ताकि ये नीचे ना लग जाए, तो इस तरीके से आराम आराम से इसको हिलाना। तो भाई 10 मिनट हो चुके पर भैया इसको थोड़ा और पका रहे, तो अब अपनी अपनी गैस के हिसाब से देख लेना, 10 से 15 मिनट से लगेंगे पकने में, 10 मिनट तो हो चुके हैं, पर भैया कह रहे अभी हम मैं थोड़ा सा भी इसे और पकाऊंगा। तो जब ये तेल छोड़ देगा तो मतलब ये पक चुका है, तो इसको अभी 5 से 10 मिनट भैया और पका रहे हैं। तो भैया चेक कर रहे हैं यहाँ पे, अभी नहीं हुआ भैया, अभी 5 से 10 मिनट भैया और पकाएंगे, गैस गैस के हिसाब से होता है। तो आप अपने हिसाब से इसको उठा के चेक करना, पीस को तोड़ के देखना, जब ये हो जाएगा डन या तो तेल छोड़ देगा या ये पीस हो जाएगा ठीक है। तो थोड़ा सा और पकने देते हैं इसको। तो लो भाई आपकी चिकन करी बनके रेडी है, और मैं आपको एक बात बता दूं, भैया ने एक बूंद पानी यूज़ नहीं करा इसमें, ये बिना पानी के बनाया। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी पतली चाहिए तो आप पानी यूज़ करना और थोड़ी देर उसको 5 मिनट और पकाना, आपका बनके रेडी हो जाएगा। अगर आपको चावल के साथ खाना है, ये रोटी के साथ खाने वाली बनाई है चिकन करी, तो इसमें भैया लास्ट में क्या डाल रहे हैं देखते हैं। ये डाल रहे हैं भैया 1 मुट्ठी गरम मसाला, और अभी मिलाना भैया, थोड़ी देर छोड़ना है, पहले इसको छोड़ना है 5 से 10 मिनट, क्योंकि अभी मिलाने से ना थोड़ी सी काली हो जाती है ग्रेवी, और ये सर्व थोड़ी देर बाद होगा, तो इसलिए ऐसे डाल के इसे छोड़ देना। ऊपर से थोड़ा सा धनिया मारना, आपका चिकन करी बनके रेडी है, बिना पानी के ये बनाया है, ये धनिया भैया ने मारा, तो ये बनके रेडी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।